Okay, so there was little bit of technical glitch because of which we are late for 2 3 minutes but anyways thank you so much for your patience good evening and welcome back to Baijus exam prep welcome to your 4pm session i welcome you all let me see who all have already arrived punam sunil riya deepa rakesh sanju mamta vivekanand saloni shazia pooja rakshit amit sukriti uttam then punam ashok who else Riya Gulshan Rakesh Pooja Amit good evening all clear okay okay thank you so much for confirmation my voice is clear vivekanand i guess because none of the other students are facing issue it is only you probably am i clearly audible to all of you please confirm me students am i clearly audible to all of you good evening pooja welcome to the class ओके यस आई एम थैंक यू सो मच आई एम गुड सुख्रीति आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल टू तो कल आ चुके हैं आपके एग्जामिनेशन के रिजल्ट उसके बाद रात में दस बजे हमने एक सेशन भी रखा था जिसमें हम मिले थे बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव थे बहुत सारे नहीं थे सो so, एनी कैसा रहा आपका रिजल्ट हमें जरूर बताएं शेयर करें मेरे साथ हमारे साथ अपना रिजल्ट टेलीग्राम ग्रुप पे हमने एक फॉर्म सर्कुलेट किया है उस फॉर्म पे अपना रिजल्ट बताएं अपने मार्क्स बताएं ताकि हम एग्जैक्ट कट ऑफ डिटेल्स परसेंटाइल और मार्क्स के हिसाब से आपके सामने ला सके सो so, रिजल्ट के बारे में तो हम बात करते रहेंगे उससे पहले आज के टॉपिक की बात कर लेते हैं गुड इवनिंग समा रिंकल वॉइस इज गुड ओके थैंक यू सो सो मच फॉर स्टूडेंट्स आज का आपका क्लास है राम मनोहर लोहिया और चौखम्बा मॉडल पर इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स यूनिट नंबर थ्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप में से कुछ स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही ये क्लास मेरे साथ बाइजूस एग्जाम ऐप पर, पर कर चुके होंगे री जिन स्टूडेंट के लिए ये क्लास ऑलरेडी हो चुकी है उनके लिए लास्ट में मैंने दस क्वेश्चन के लास्ट तक आप रहेंगे आपका रिविजन हो जाएगा सो डोंट थिंक की आपका रेपिटेशन है रिविजन है रेपिटेशन नहीं है राइट सो द टॉपिक इज राम मनोहर लोहिया एंड चौखंबा मॉडल ही इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर पोलिटिकल थिंकर्स ड्यूरिंग प्रेजेंट टाइम पीरियड राम मनोहर लोहिया का थॉट राम मनोहर लोहिया की आइडियोलॉजी लेकर के बहुत सारी पोलिटिकल पार्टीज अभी भी राजनीति कर रही हैं सो अगेन टाइम एंड अगेन वी हैव सीन अ ट्रेंड कि जो लीडर्स हमारे आज के समय में इंपॉर्टेंट हैं उनसे सवाल आता है लोहिया जी से भी सवाल आपके पेपर में आए इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है ओके okay? तो राम मनोहर लोहिया चौखंबा मॉडल टोटल रेवोल्यूशन नहीं टोटल नहीं सेवन रेवोल्यूशन सप्त क्रांति टोटल रेवोल्यूशन जेपी का है सेवन रेवोल्यूशन लोहिया का है इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे उससे पहले अगर आप क्लास उतने आ चुके मुझे यही मालूम होगा अगर स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द फ्री क्लासेस फ्री क्लासेस कब कब होती हैं अपने शेड्यूल्स को मार्क कर लीजिए वेंसडे फ्राइडे सैटरडे शाम चार बजे इसी यूट्यूब चैनल पर बायजूस एग्जाम और के सेशंस होते हैं ट्यूसडे, थर्सडे वन पी फ्री सेशंस होते हैं इनका लिंक आपको टेलीग्राम के हमारे चैनल और ग्रुप में मिल जाएगा हमारे चैनल और ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें टेलीग्राम पर सो दैट यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स सबसे पहले और सबसे सटीक चलिए शुरू करते हैं शुरू करते हैं स्टूडेंट्स ओके सी हाउ टू सक्सेस सबसे पहले अपना नाम बताइए आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है आई एम लाइक आई टोटली अग्री विद इट कि कुछ ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स पहले ही नेट क्लियर कर चुके हैं उन्हें दोबारा बैठने का मौका ना मिले बिकॉज नेट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी आपको पता है लाइफ लॉन्ग होती है और इससे बाकी स्टूडेंट्स का कट ऑफ वेरी करता है और मौका छिन जाता है बट इस अपील को मेरे सामने रखने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि इससे बस ओपिनियन मिलेगा कुछ काम नहीं होगा इस अपील को आप एन के सामने रखिए मेरे सामने मत रखिए आई एम नो वन टू डू एनीथिंग आई कैन ओनली जस्ट अग्री और डिसग्री विद योर पॉइंट ऑफ व्यू राइट चलिए गुड इवनिंग आरती गुड इवनिंग दीपा चौखंबा मॉडल क्या है वही तो बात करेंगे विवेकानंद थमो ठहरो बात करेंगे सारे टॉपिक्स के बारे में अब स्पैम करना क्लास को बंद कर दीजिए हाउ टू सक्सेस हम्बल रिक्वेस्ट आपका पॉइंट पढ़ लिया है ओके okay. राम कुमार यादव आपका राम नाम पढ़ लिया है आपका कॉमेंट पढ़ लिया है उस पर रिएक्शन दे दिया है अब प्लीज चैट को स्पैम करना बंद कीजिए और टॉपिक की पढ़ाई की बात करते हैं चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट शुरू करने से पहले आज का कोर्ट ऑफ द डे आज का कोर्ट ऑफ द डे इट्स फाइन टू सेलिब्रेट सक्सेस बट इट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू हेड द लेसन ऑफ फेलियर नाउ स्टूडेंट्स देखिए इट्स फाइन टू सेलिब्रेट सक्सेस कल से रिजल्ट आया बहुत सारे स्टूडेंट्स खुश हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं हैप्पी हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है करना भी चाहिए हम भी टॉपर स्टॉक आपके सामने बहुत जल्द कल लेकर के आने वाले हैं सेशन कब होगा उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सेलिब्रेट तो करना ही करना है बट उससे भी ज्यादा जरूरी है कि अगर सफल नहीं हुए असफलता मिली तो असफलता के जो लेसन है उनको आगे लेकर के बढ़ो इट इज फॉर ऑल ऑफ द यू ऑल ऑफ यू परफेक्टली सुटेबल फॉर टूडेज कंडीशन आज की कंडीशन जो है कल रिजल्ट आया है आप में से बहुत सारे लोग आज हताश आज निराश महसूस कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज भी आ रहा है मेरे पास तो बिल गेट्स ने कहा है सक्सेस को सेलिब्रेट करना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है अपने फेलियर के लेसन को लेकर के आगे बढ़ना सो ये नाउ इज द टाइम टू मूव अहेड एंड परफॉर्म गुड मैं हमेशा कहती हूँ एवरी वन विल गेट सेकेंड चांस एंड योर सेकेंड चांस इज नॉट टू फार इट इज दिसंबर ओनली और अभी जुलाई चल रहा है खत्म होने को है कुछ ही महीनों में दोबारा आपके सामने एग्जाम होगा उसके बाद आप दुखी ना हो इसको आप सुनिश्चित अभी कर सकते हैं आज कर सकते हैं जब आप डिसाइड करेंगे कि आपको तैयारी करनी है और स्ट्रैटेजी अच्छी फॉलो करनी है सो बी मोटिवेटेड टेक योर मोटिवेशन बैक एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम द ग्राउंड जीरो लेवल विद बाई जूस एग्जाम प्रेप विद योर बुक्स एंड विद योर कॉन्फिडेंस ओके चलिए पूजा शेयर कीजिए अपना रिजल्ट हमारे साथ टेलीग्राम पर टेलीग्राम आईडी आप सबके पास है हेलो बटरफ्लाई मी ओके चलिए सो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स आगे आज हम पढ़ेंगे राम मनोहर लोहिया का बेसिक इंट्रोडक्शन चौखंबा मॉडल न्यू सोशलिज्म नया समाजवाद क्या है सप्त क्रांति और फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे हम उसके बारे में भी बात करेंगे ओके चलिए सो बेसिक इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो राम मनोहर लोहिया जो है उनका जो समय काल है दैट इज फ्रॉम नाइनटीन टू नाइनटीन ठीक है समझ में आ रहा होगा आपको कि ये आजादी का आंदोलन का कौन सा समय काल था गांधी भारतवर्ष आएंगे और उसके बाद आगे आने वाले सालों में हम देखेंगे कि लोहिया भी गांधी के थॉट से काफी ज्यादा प्रभावित थे गांधीवादी विचारक के रूप में हमारे सामने लोहिया आते हैं इनका जन्म होता है फैजाबाद में यूपी के उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म होता है इन्होंने महात्मा गांधी को फॉलो किया एंड ही वॉज अ गांधीवादी गांधीवादी थे इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी थे गांधी so, के विचार और लोहिया के विचारों में कुछ समानताएं भी हैं जो कि उन्होंने गांधी से प्रभावित होकर के कुछ विचार दिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे पीरियड यूपी के फैजाबाद में आ, 1910 में उनका जन्म हुआ उन्होंने अपनी पीएचडी की थीसिस सोल्ट एंड सत्याग्रह टॉपिक पर करी डू रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन सोल्ट एंड सत्याग्रह पीएचडी की थीसिस है उनकी

स्टेट की पावर अलग अलग इंस्टीट्यूशन में अलग अलग पर विकेंद्रित है, है. और उन्होंने वही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो हमने पहले भी बात करी है किस विचारक में बात की है बताइए कौन से विचारक में हमने बात की कि उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया वही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में लोहिया भी उसके फॉर्मेशन में उसके गठन में हेल्प करते हैं उन आ, दूसरे थिंकर को वो थिंकर का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए स्टूडेंट्स याद रखना कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के मंच के तहत ही एक ग्रुप था इट वाज नॉट अ सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी बट इट वाज एन एक्सटेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस यस टेल मी गुड इवनिंग श्री गणेश कौन से थिंकर्स में हमने पढ़ा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को बताइए एम एन रॉय में नहीं पढ़ा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एम एन रॉय में नहीं पढ़ा पूजा मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेश और भी जिनका रिजल्ट अच्छा रहा क्लियर हुआ नेट शेयर कीजिए हमारे साथ यस इट वॉज जेपी नारायण राइट सुमित उत्तम पूजा आरती दीपा संजू राकेश अमित पूजा टू ममता इट वॉज जेपी नारायण ठीक है जेपी नारायण और लोहिया दोनों गांधीवादी थे दोनों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में स्थापना में इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही एक सब पार्ट था अलग से पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी चलो आगे बढ़ते हैं ये उसके अलावा गांधीवाद के अलावा समाजवाद सोशलिज्म की आइडियोलॉजी से प्रभावित थे लेकिन जब सोशलिज्म की बात करते हैं लोहिया सो स्टूडेंट्स वो इंडियन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म लेकर के आते हैं हमारे सामने ही ट्राइड इंडियनाइजेशन ऑफ सोशलिज्म समाजवाद का आप कहिए भारतीकरण करते हैं वो समाजवाद उन्हें नहीं चाहिए जो मार्क्स ने इंट्रोड्यूस किया वो समाजवाद उन्हें नहीं चाहिए जो लेनिन ने स्टालिन ने लगाया देखो माओ ने भी समाजवाद को चाइना के परिस्थितियों के हिसाब से बदला मार्क्सवाद को समाजवाद को और फिर माओवाद लाया वैसे ही लोहिया का भी एक प्रयास था एक स्टेप था कि उन्होंने समाजवाद को भारत के परिपेक्ष में भारत के बैकग्राउंड में इंट्रोड्यूस करने का ट्राई किया ही वॉन्टेड टू अनशैकल सोशलिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मार्क्सिज्म इंटरनेशनल कम्युनिज्म उन्होंने समाजवाद को मार्क्सवाद और साम्यवाद अंतरराष्ट्रीय साम्यवाद इंटरनेशनल कम्युनिज्म से अलग देखा यूनिक उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी ठीक है आई होप इट इज क्लियर थोड़ा और बेसिक डिटेल हम पढ़ लेते हैं 1932 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया उसके बाद 1934 में मैंने आपको बताया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन करते हैं अलोंग विद जेपी नारायण स्टूडेंट्स आजादी के बाद कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एक सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है अलग से राजनीतिक दल बन जाता है ओके नाइनटीन में क्या होता है हम देखते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी प्लस किसान मजदूर प्रजा पार्टी याद रखना नाम किसान मजदूर प्रजा पार्टी मिल करके बनाते हैं क्या मिल करके बनाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन प्रजा सोशलिस्ट पार्टी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ठीक है जी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है लोहिया की अध्यक्षता में बट आगे चल के फिफ्टी सिक्स में वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को छोड़ देते हैं लेफ्ट प्रजा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और फिर उसके बाद वो स्थापना करते हैं फिफ्टी सिक्स में ही प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को छोड़ने के बाद ही स्टैब्लिश सोशलिस्ट पार्टी लोहिया सोशलिस्ट पार्टी लोहिया ठीक है जी और फिर फाइनली 1963 के समय काल में वो पहली बार एमपी बनते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं तो ये इनकी पॉलिटिकल जर्नी की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद रखना एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है सबसे पहले 32 में इंटरनेशनल कांग्रेस ज्वाइन की 34 में CSP को किया 52 में सीएसपी में आते हैं सोशलिस्ट प्रजा पार्टी सॉरी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है और उसके बाद हमने देखा 56 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी छोड़ते हैं लोहिया और अलग से नई पार्टी बनाते हैं सोशलिस्ट पार्टी लोहिया एंड सिक्सटी 63 में वो पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं पार्लियामेंट में पहुंचते हैं ओके चलिए आई होप इट इज क्लियर इफ इट इज क्लियर प्लीज राइट येस तो हम आगे बढ़े चौखंबा मॉडल के बारे में पढ़े इतना क्लियर है तो बताइए फिर आगे बढ़े और चौखंबा मॉडल के बारे में पढ़े प्लीज राइट येस ऑल क्लियर ऑल गुड ओके क्लास को शेयर कर दीजिए भाई प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए तो कम से कम आपके दोस्त आ जाएं अगर पढ़ने नहीं आए हैं तो ओके okay, चलिए तो आगे बढ़ते हैं आगे है कॉन्सेप्ट चौखंबा मॉडल इसको फोर पिलर कॉन्सेप्ट भी कहा गया है फोर पिलर स्टेट भी कहा गया है ठीक है क्या है कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है कि एक स्टेट के चार पिलर्स हैं खम्बे कहते हैं ना खंबे पे जो है दीवारें दीवारें नहीं खड़ी होती खंबे पे घर खड़ा होता है सो so, चार खंबे चार सपोर्ट एक स्टेट को क्या क्या प्रोवाइड करता है? That is, Province District Village. यही डिसेंट्रलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट है यही सत्ता के विकेंद्रीकरण का भी कॉन्सेप्ट है यही डिसेंट्रलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स राइट right? तो कौन कौन से चार पिलर्स हैं चार खंबे हैं केंद्र प्रोविंस मतलब राज्य डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला आप कह सकते हैं और फिर गांव ठीक है या शहर आप कह सकते हैं और फिर गांव ग्रामीण इलाके ओके चार जो है पिलर्स हैं जिनके सपोर्ट पे राज्य खड़ा हुआ है स्टेट इज स्टैंडिंग ऑन फोर पिलर्स इसी को आप चौखंबा मॉडल कहते हैं और यही सत्ता का विकेंद्रीकरण है डिसेंट्रलाइजेशन है जो कि गांधी के थॉट से इंस्पायर होकर के लोहिया ने सपोर्ट किया था आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू विवेकानंद चौखंबा मॉडल क्लियर है आपको ठीक है आगे बढ़ेंगे न्यू सोशलिज्म नए समाजवाद की तरफ स्टूडेंट्स न्यू सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था 1959 में क्यों दिया था क्या जरूरत पड़ी क्या आन पड़ी भाई कि समाजवाद की परिभाषा बदलनी पड़ी लोहिया को तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है जानना कि लोहिया बड़े भारतीय थे दिल से लोहिया को लगता था कि इंडिया का डेवलपमेंट इंडियन मॉडल पर होना चाहिए इंडिया का डेवलपमेंट इंडियन मॉडल पर होना चाहिए अब अगर मैं कहती हूं कि अभी आज के समय में भी आपने देखा होगा ब्रिटिशर्स के समय में भी इंडियन वर्सेस वेस्टर्न चलता था राइट तो वहीं से ये थॉट आता है अगर मैं कहती हूं कि भाई डेवलपमेंट चाहिए तो डेवलपमेंट का रास्ता भी ठीक होना चाहिए मींस और एंड दोनों जरूरी होने चाहिए तो लोहिया कहते हैं कि भाई पश्चिम के मार्क्सवाद को देख के पश्चिम के साम्यवाद को देख के मार्क्सिज्म कम्युनिज्म हम भारत में समाजवाद नहीं ला सकते हमें समाजवाद चाहिए पर हमें भारत का अपना ओन मॉडल चाहिए और इसीलिए उन्होंने न्यू सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया इसके साथ साथ उन्होंने मार्क्सवाद को क्रिटिसाइज किया मार्क्सिज्म उन्होंने मार्क्सवाद की आलोचना की उन्होंने कहा कि मार्क्सिज्म में इंटरनल कॉन्ट्रिडिक्शन है मार्क्सिज्म के अंदर ही विरोधाभासी प्रवृत्तियां हैं कॉन्ट्रोडिक्शन है कॉन्सेप्ट अलग अलग है लग मार्क्सिज्म खुद ही एक पॉइंट पर नहीं आ पा रहा इसलिए मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी सही नहीं है उसके साथ साथ उन्होंने कैपिटलिज्म को भी क्रिटिसाइज किया उन्होंने पूंजवाद को भी क्रिटिसाइज किया क्यों क्योंकि आपको पता है भारत की संस्कृति में कभी पैसा वेल्थ सिर्फ एकमात्र इंपॉर्टेंट चीज नहीं रहा तो वो कहते हैं कि भाई मनुष्य को मटेरियलिस्टिक मैन पदार्थ में सिर्फ इंटरेस्टेड अगर कुछ बनाता है तो वो है पूंजीवाद कैपिटलिज्म एंड ही कैपिटलिज्म ओके यस सो ठीक है फिर न्यू सोशलिज्म क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स जो नया समाजवाद जिसकी लोहिया बात करते हैं वो सोशलिज्म और गांधीवाद गांधीज्म गांधी का मिक्सचर है इट इज सोशलिज्म प्लस गांधीज्म सोशलिज्म प्लस गांधीज्म उन्होंने कहा समाजवाद को हमें गांधीवाद के प्रेरणा के साथ गांधीवाद के फीचर्स के साथ करना है न्यू सोशलिज्म ऑफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ सोशो इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल लाइफल ऑफ इंडिया एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है एक व्यापक प्रणाली है जो कि आप कहिए भारत में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सारे परिपेक्षों को जोड़ता है ठीक है जी है क्या इट ट्राई टू इंटरलॉक द आइडिया ऑफ सोशलिज्म विद गांधी एंड डॉक्ट्राइन ऑफ सत्याग्रह समाजवाद और सत्याग्रह को जोड़ने की बात करता है नया समाजवाद और यह एक ऐसा सिस्टम सपोर्ट करता है जो कि स्मॉल मशीन टेक्नोलॉजी में इनबिल्ट हो एंड फाइनली द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन देखो गांधीवाद के कुछ फीचर्स थे कॉर्टेज इंडस्ट्री कॉर्टेज इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या फिर आप कहो डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण ये सारे की पॉइंट्स थे नए समाजवाद के तो न्यू सोशलिज्म का सिस्टम कहता है हमें एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम सपोर्ट करना है जिसमें छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो स्मॉल मशीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो और फाइनली द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन और राजनीतिक रूप से सत्ता का शक्ति का विकेंद्रीकरण हो ऐसा समाजवाद हमें चाहिए राइट ये जो है लोहिया सपोर्ट करते हैं तो क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं डिसेंट्रलाइज्ड सोशलिज्म के कोऑपरेटिव लेबर हो सबके सब, सब मिलकर के काम करें स्मॉल मशीन्स हो सरकार जो है विलेज के लेवल पर हो सत्ता का विकेंद्रीकरण हो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हो और सबसे इंपॉर्टेंट जो लोवेस्ट यूनिट है विलेज की यूनिट वो हो राइट right? इतना क्लियर है आप सबको तो प्लीज राइट यस ओके इन द कॉमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले एक इंफॉर्मेशन है आप सबके लिए 28 जुलाई शाम छह बजे तोशिबा मैम वर्कशॉप लेकर के आ रही हैं आप सबके लिए कि दिसंबर 2023 के अटेम्प्ट में अपनी आप एक्यूरेसी को अपनी स्पीड को अपनी परफॉर्मेंस को कैसे फास्ट अप कर सकते हैं सो डू ज्वाइन तोशिबा मैम लाइव फॉर दिस वर्कशॉप फॉर ऑल द एक्सपीरियंस ऑफ यूजीसी नेट जी आर एफ वेरी इंपॉर्टेंट इज गोइंग टू बी एंड ये वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट है इस वर्कशॉप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ये वर्कशॉप आपको बाइजूस प्रेप ऐप पर मिलेगी और ऐप तक पहुंचने के लिए स्कैन कोड आपके सामने है इसको स्कैन करें बाईजूस एग्जाम्पल की ऐप को डाउनलोड करें और वर्कशॉप को आप एक्सेस कर सकते हैं ओके, इट्स क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं फिर एक चीज और इस बार के में हमने देखी हमने देखा जो स्टूडेंट्स क्लास में रेगुलर थे वो स्टूडेंट्स का नेट तो क्लियर हुआ ही हुआ है जी भी हुआ है कईयों का बट नेट तो हुआ ही है क्यों क्योंकि स्टूडेंट्स एक तो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी है और दूसरा पेपर का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट था तो इसीलिए हम हम नेट भी कह रहे हैं कि भाई अच्छा परफॉर्मेंस था क्यों क्योंकि पेपर पेपर का लेवल लेवल देख देख करके या आपका ये पेपर ने -ने देख करके या नहीं में इतने नए नए स्टूडेंट्स पैनिक हो गए थे तो आपने अगर नेट जे आर क्लियर किया है सो इट्स गुड इट्स कमेंडेबल आपका ही हार्डवर्क है द थिंग इज की स्टूडेंट्स अगर क्लास में कंसिस्टेंट है स्टूडेंट्स अगर ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका क्लियर हुआ है कॉमेंट बॉक्स में ही आपको बहुत सारे ऐसे अपने साथी मिल जाएंगे जिन्होंने लगातार निरंतर पढ़ाई करी है और सक्सेस को हासिल किया है और बाकी टॉपर्स तो हम लेके आएंगे ही तो आपको पता चलेगा कि सही स्ट्रैटेजी क्या है टॉपर्स की स्ट्रैटेजी क्या है चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं सप्त क्रांति के बारे में जानते हैं स्टूडेंट सप्त क्रांति क्या है सप्त क्रांति देखो जब हम सप्त क्रांति की बात करते हैं तो ये चीज समझने वाली भी है प्लस याद करने वाली भी है लोहिया कहते हैं कि सेवन रेवल्यूशन की आवश्यकता है हमें वी नीड सेवन रेवल्यूशन वॉट ऑल सेवन टॉकिंग अबाउट तो जानिए याद रखिएगा सेवन प्रॉब्लम्स हैं, सात समस्याएं हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सेवन रेवल्यूशन की हमें आवश्यकता है सेवन तरीके की इनइक्वालिटीज हैं असमानताएं हैं है समाज में क्या क्या है पुरुष और स्त्री के बीच असमानता रंग भेद के कारण असमानता कास्ट के बेसिस पे असमानता कॉलोनियल रूल के कारण असमानता कुछ देशों पे रूल हो रहा है और कुछ रूल कर रहे हैं आर्थिक असमानता अनजस्ट ऑन प्राइवेट लाइफ मतलब व्यक्ति के निजी जीवन में अत्यधिक एंटरफेयर करना अत्यधिक एनक्रोच करना सिविल लिबर्टीज नागरिक स्वतंत्रताओं की असमानता एंड देन वेपन्स रिन ऑफ वेपन्स जो है एक हमें ये भी चाहिए कि के कारण जो असमानता हुई है हथियारों के कारण जो असमानता क्रिएट हुई है उसे आपको खत्म करना है एंड द थिंग इज नॉन वायलेंस को सपोर्ट करना है तो सबके सब इक्वल सब लेवल पर आ जाएंगे तो कौन कौन सी सेवन असमानताएं हैं स्त्री पुरुष के बीच में इसको खत्म करना है सेवन रेवल्यूशन भी इसी के साथ साथ आपके सामने दिए हैं रंग भेद के कारण जो असमानताएं हैं कास्ट के बेसिस पे जो असमानताएं हैं देशों के बीच में जो असमानताएं हैं कुछ उपनिवेशवाद कर रहे थे कुछ उपनिवेश थे जैसे कि ब्रिटेन और इंडिया आर्थिक रूप से असमानताओं को खत्म करना है सिविल लिबर्टीज की असमानताओं को खत्म करना है और हथियारों का जो पोजेशन है उसको खत्म करके नॉन वायलेंट अहिंसक समाज की स्थापना करनी है इक्वल समाज की स्थापना करनी है सो सेवन प्रॉब्लम्स सेवन सॉल्यूशंस, यस इजी याद रखिएगा भूलिएगा मत वैसे भी वन आउट में इजिली आप आइडेंटिफाई कर लोगे अगर ये आपके सामने प्रश्न आएगा तो हिंदी में देख लें एक बार पुरुष महिला त्वचा के रंग के आधार पर जाति के आधार पर औपनिवेशिक शासन के आधार पर आर्थिक असमानता निजी जीवन पर अन्यायपूर्ण अतिक्रमण की असमानता और हथियारों का त्याग ये सेवन प्रॉब्लम्स नीडेड सेवन सॉल्यूशंस एज पर लोहिया सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू इफ इट इज क्लियर प्लीज राइट यस तो आगे बढ़ते हैं आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ अगर इतना क्लियर है तो जल्दी से बताइए कि जी मैम क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ कोई डाउट कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं यस ओके सुकृति सो स्टूडेंट्स अब हैं आपके सामने दस सवाल ये दस सवाल हैं इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के इसका जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है ओके जी कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है इन दस सवालों का ओके सो आई होप यू ऑल आर रेडी यस राइट देखिए उत्तम सबसे बड़ी बात क्या है कि उत्तम कह रहे हैं कि आज भी अगर लोहिया जी जैसे पंडित नेहरू जैसे लीडर्स हो तो देश की राजनीति का लेवल अलग हो देखो आज भी आप देखो जयप्रकाश नारायण लोहिया दीनदयाल उपाध्याय बट जयप्रकाश नारायण और लोहिया का परचम की विचारधारा को लेकर के बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि भाई हमारे रोल मॉडल ये हैं बट इनके जो विचारधारा है उसका वन परसेंट भी अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज इंप्लीमेंट कर लें वो पॉलिटिकल पार्टीज वैसी अपनी विचारधारा रखें सिर्फ नाम के साथ साथ उनके काम पे भी ध्यान दें उनकी विचारधारा को एक्चुअलाइज कर लें, हमारे हमारे का, का का लेवल कुछ और होगा, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, ठीक चलिए रेडी है तो पहला सवाल है आपके सामने नेशनल हेरॉल्ड न्यूज किसके द्वारा शुरू हुआ था तिलक फिरोज शाह मेहता मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू प्लस स्टूडेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी बताना ऑफ पब्लिकेशन भी बताना कि किस वर्ष में ये न्यूज़पेपर जो है आपका पब्लिश हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं आप लोग अच्छा फिर से सोच लीजिए भाई एक दूसरे का देख करके जवाब मत दीजिए सही जवाब दीजिए और ईयर ऑफ पब्लिकेशन बताओ लेट मी सी ईयर ऑफ पब्लिकेशन सबसे पहले कौन बताता है शुभम वेरी गुड इट इज 1938। राइट आंसर इज डी एब्सोल्यूटली करेक्ट न्यूज़पेपर शुरू हुआ था पंडित नेहरू ने किया था 1938 में किया था लखनऊ से किया था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से किया था और भारत के आजादी के आंदोलन में स्वतंत्रता संग्राम में ये न्यूज़पेपर ने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई इट्स बैनर कॉल्ड फ्रीडम इन पेरिल इस न्यूज का स्लोगन था फ्रीडम इन पेरिल फ्रीडम इन पेरिल ठीक है न्यूज का स्लोगन था हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए सो याद रखिएगा रोल ऑफ प्रेस प्लेड द सिग्निफिकेंट रोल ड्यूरिंग द स्ट्रगल इन एडुकेटिंग एंड मोबिला कहने का मतलब क्या है कि प्रेस की जो आजादी है वो बहुत ज्यादा खतरे में थी और प्रेस का जो रोल है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी था इन आप कहिए कि स्टैब्लिशिंग द फैक्ट कि लोगों को कैसे जागरूक करना है कैसे शिक्षित करना है भारत के आवाम को कि कैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आगे लेकर के चलना है फ्रीडम इन पेरिल का मतलब क्या हुआ पेरिल मतलब खतरा आप कह सकते हैं आजादी खतरे में है ऐसा कुछ इसका बैनर था इसका टैगलाइन था चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट इज गांधी आई एम सॉरी नेक्स्ट इज ग्लिम्सिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसकी किताब थी गांधी नेहरू डॉक्टर अंबेडकर सावरकर ज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसकी किताब थी ओके okay, उत्तम सबसे पहले मेरे पास शुभम का मैसेज आया है सो so कुछ नेटवर्क इशू होगा एनी वेज नो वरीज बताइए बी आंसर आप आ रहा है आप लोगों का सो अगेन इट इज राइट पंडित नेहरू की किताब है ग्लिम्पिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है यह किताब

प्लीज राइट इट आपने पढ़ी है बहुत अच्छी बात है पूजा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि किताब में किसके बारे में लिखा हुआ है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अ चार्टर ऑफ ऑफ स्लेवरी गवर्नमेंट नाइनटीन थर्टी फाइव वॉज अ चार्टर ऑफ स्लेवरी ये किसने कहा किसने कहा कि भारतीय अधिनियम 1935 सौ का बंधन पत्र था महात्मा गांधी मोहम्मद अली जिन्ना जवाहरलाल नेहरू या फिर गोपाल कृष्ण गोखले बताइए कह रहे हैं आप लोग हाँ जी ठीक है पंडित नेहरू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को इंप्लीमेंट किया और ऐसा प्रतीत कराया ऐसा एस्टेब्लिश कराया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की तरफ एक स्टेप फॉरवर्ड है बट स्टूडेंट्स दिस वाज नॉट राइट और फिर क्या हुआ हमने देखा कि इसके परिणाम स्वरूप नाइनटीन uh, थर्टी का एक्ट जो है वो और ज्यादा लिमिटेशन लगा रहा था भारत में लोगों के ऊपर ऐसा परोसा गया ऐसा दिखाया गया कि भाई आजादी की तरफ एक ये स्टेप है बट इट वॉज एक्चुअली चार्टर ऑफ स्लेवरी ऐसा नेहरू कहते हैं और 1935 के एक्ट को कंडेम करते हैं को क्रिटिसाइज करते हैं ओके चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपके सामने बताइए मुझे मैच द फॉलोइंग है होम एंड द वर्ड माई मास्टर ग्लिम्सिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इंडियन होम रूल राइटर्स हैं रविंद्रनाथ टैगोर पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी यस राइट me द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर four. अच्छा स्टूडेंट्स एक इंफॉर्मेशन है आप सबके लिए पहले तो फोर्थ का आंसर देख लेते हैं फिर मैं इंफॉर्मेशन देती हूं आप लोगों को सी आंसर दे रहे हैं आप लोग एब्सल्यूटली करेक्ट यस देखो ग्लिम्सिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री से ही शायद अंदाजा लगा सकते थे सी आंसर है होम एंड द वर्ड किसकी किताब है रविंद्रनाथ टैगोर इधर देख लेते हैं हम होम एंड द वर्ड रविंद्रनाथ टैगोर माई मास्टर स्वामी विवेकानंद ग्लिम्सिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री अभी हमने बात की पंडित नेहरू और इंडियन होम रूल महात्मा गांधी होमवर्क है आपका इन सारी किताबों के इयर्स ऑफ पब्लिकेशन याद कर लेंगे अपने नोट्स में आप एड ऑन कर लेंगे इन्फॉर्मेशन ये है कि वेंसडे फ्राइडे सैटरडे आपकी जो क्लासेस होती हैं उसमें से अपकमिंग फ्राइडे और सैटरडे हम 2015 का पेपर लगाने वाले हैं वी आर गोइंग टू सॉल्व पेपर ऑफ 2015 पार्ट वन पार्ट टू मैंने आपकी दो क्लासेस रखवाई हैं ठीक है जी तो क्लास में आ जाइएगा टाइम से फ्राइडे का करेंट अफेयर्स का वीडियो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर फ्राइडे को ही आपको वीडियो करेंट अफेयर लाइव दो हजार पंद्रह का हम पेपर लगाएंगे पार्ट पार्ट में फ्राइडे और सैटरडे मेक श्योर कि आप जो है पंद्रह के पेपर के क्वेश्चन न्यू है अभी तक हमने लगाए नहीं है मेक श्योर sure आप सब लाइव उस क्लास को अटेंड करेंगे ओके चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है अकॉर्डिंग टू बर्नी जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार कलेक्शन ऑफ टैक्स शुड टेक प्लेस एट कर का एकत्रण किस स्तर पर होना चाहिए बताइए <laughs> जी रोहित बताइए चलिए डी आंसर दे रहे हैं आप लोग सो एब्सोल्युटली करेक्ट सभी लेवल्स पे होना चाहिए टैक्स कलेक्शन बर्नी कहते हैं विलेज वाले प्रोविंस को भेजें प्रोविंस वाले सेंटर को भेजें सेंटर पे दीवाने वजारत होगा ऐसा बर्नी ने कहा राइट right? सो so, टैक्स कलेक्शन सेंटर प्रोविंस और विलेज पे होगा दीवान वजारत डिपार्टमेंट है जिसको वजीर और नायब जो है हेड करेंगे प्रोविंस के लेवल पर मुक्ति और वाली होंगे और विलेज के लेवल पर दीवान होंगे रेवेन्यू कलेक्शन प्रपोशनिट होना चाहिए अनुपातिक होना चाहिए लोगों का कर देने की क्षमता के अनुसार ही कर लेना चाहिए कबीर मोस्ट क्रिटिकल ऑफ विच रिलीजन बताओ कबीर किस धर्म के आलोचक थे इस्लाम हिंदुइज्म जैनिज्म बोथ ए एंड बी सरकारी ऑप्शन है जी गुलनास बताइए सिक्स का आंसर दीजिए सिक्स का डी आंसर दे रहे हैं आप लोग एब्सोल्यूटली करेक्ट स्टूडेंट्स कबीर ने इस्लाम और हिंदुज्म में जो भी ट्रेडिशन्स uh, चलते थे रिचुअल्स चलते थे उनको क्रिटिसाइज किया जैसे कि जनेऊ पहनना जैसे कि इस्लाम में भी बहुत सारे रिचुअल्स हैं जिनको उन्होंने क्रिटिसाइज किया जैनिज्म को उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया था जैनिज्म से उन्होंने प्रेरणा ली थी इसीलिए जैनिज्म सही आंसर नहीं है राइट आंसर विल बी डी बोथ ए एंड बी ओके चलिए आगे बढ़ते हैं कबीर ने हिंदुआइजम और इस्लाम दोनों की आलोचना की कहा कि हिंदुइजम और इस्लाम दोनों में क्रियाक्रम क्रिया और आप कहिए कि रिचुअल्स बहुत सारे हैं सेक्रीफाइसेस हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि स्पिरिचुअलिज्म आध्यात्म से अलग है ठीक है जैसे कि सरकमसिजन जैसे कि सीक्रेट थ्रेड पहनना एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक ओके कबीर ने कहा कि सीक्रेट टेक्स्ट हिंदुइज्म और इस्लाम को प्रभावित कर रहे हैं और मिस कर रहे हैं ओके। okay. गांधी जी का विवेक रक्षक किसे कहा गया है बीन रिफर्ड टू एज द कॉन्शियस कीपर ऑफ गांधी जी राजगोपाल चरी रविंद्रनाथ टेगोर वी पटेल वल्लभ भाई पटेल है या फिर गोपाल कृष्ण गोखले बताइए कॉन्शियस की पर गांधी जी का किसको कहा गया है भाई सी राजगोपाल चरी कह रहे हैं आप लोग विवेकानंद कह रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले राइट आंसर है सी राजगोपालचरी right को कहा गया है गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे मुझे बताओ गांधी जी के संबंध में गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के संबंध में कौन थे जी राजा जी को कहा गया है गांधी जी का विवेक रक्षक ठीक बात है गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के संबंध में कौन थे पॉलिटिकल गुरु राजनैतिक गुरु यस करेक्ट राकेश वेरी गुड पॉलिटिकल गुरु थे गांधी जी के ठीक है कॉन्शियंस कीपर विवेक रक्षक विवेक संभालने वाले राजा जी थे याद रखना चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज इसमें से कौन सी किताब श्री और द्वारा नहीं लिखी गई है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फिटन बाय श्री और लाइफ डिवाइन एसेज ऑन गीता योगा कॉन्सेप्ट इन प्रैक्टिस द आइडियल्स ऑफ ह्यूमन यूनिटी यस yes, गुरु थे राइट एट का आंसर दीजिए सी कह रहे हैं अच्छा किसकी किताब है ये भी बताओ किसकी किताब है ये भी बताओ नॉट रिटर्न बाय श्री और बिंदो सो द राइट आंसर इज सी योग कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ठीक है नॉट रिटर्न लाइफ डिवाइन और बिंदो की किताब है एसेज ऑन गीता और बिंदो की किताब है आइडियल्स ऑफ ह्यूमन यूनिटी और बिंदो की किताब है ओके okay, बताइए बताइए तब आगे बढ़े यस इट इज स्वामी विवेकानंद ओके चलिए नाइन्थ क्वेश्चन सेकेंड लास्ट फॉर द डे आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रणेता के रूप में किसे याद किया जाता है विपिन चंद्रपाल आरसी दत्त मदन मोहन मालवीय गोपाल कृष्ण गोखले अपना स्कोर आई होप आप लोग नोट करते जा रहे हैं क्लास के एंड में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दस में से कितने सवाल ठीक हुए आपके नाइन्थ का आंसर दीजिए डी और डी आंसर आ रहा है द राइट आंसर फॉर दिस इज बी आरसी सी दत्त अच्छा आरसी दत्त की किताब का नाम बताइए पाइमियर ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म कहा गया है आरसी दत्त को क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिशर्स दिया था ब्रिटिशर्स का आर्थिक जो क्रिटिक था आलोचना थी वो आरसी दत्त ने की मुझे बताओ आरसी दत्त की कौन सी किताब है इंपॉर्टेंट किताब का नाम बताओ इस संदर्भ में जल्दी बताओ फिर लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े आरसी दत्त की इंपॉर्टेंट बुक जल्दी से बताइए यस yes, मैंने ये टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेजा था राज जो कंसिस्टेंट है उन्हें पता है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया यस एब्सोल्युटली करेक्ट उत्तम वेरी गुड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट किताब है आरसी दत्त की ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड उत्तम कीप इट अप क्या लिखा है भैया आपने जिनका ओ दैट्स रियली सो नाइस ऑफ यू उत्तम थैंक यू थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स लाइक यू ऑल आर माई मोटिवेशन थैंक यू उत्तम क्वेश्चन नंबर टेंथ की तरफ बढ़ते हैं वाई वॉज रामाबाई अकॉर्डेड विद द टाइटल ऑफ पंडिता पंडिता रामाबाई अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू पंडिता रामाबाई के नाम के आगे पंडिता वर्ड क्यों लगा पंडिता की उपाधि क्यों दी गई थी सामाजिक सुधार करने के कारण महिलाओं की मुक्ति के कारण जाति व्यवस्था का उन्मूलन के कारण संस्कृत विद्वान होने के कारण लास्ट ऑप्शन है संस्कृत विद्वान होने के कारण टेंथ का डी आंसर आ रहा है सबसे पहले मेरे पास एप्सल्यूटली करेक्ट क्योंकि वो संस्कृत भाषा की विद्वान थी इसीलिए उनके नाम के आगे पंडिता लगा था ठीक है स्टूडेंट्स पंडिता किया उन्होंने विमेन का भी 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 था सोशल रिफॉर्म्स की भी बात की 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 बात बात कास्ट सिस्टम को हटाने बट विमेन इमानसिपेशन एक्चुअली महिलाओं का सशक्तिकरण उनका सबसे इंपॉर्टेंट कार्य था उनका जीवन उसी को पूरा आ, आ, समर्पित था बट पंडिता वर्ड उनके नाम के आगे इसलिए लगा क्योंकि वो संस्कृत की विद्वान थी सो द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर टेन का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली करेक्ट एंड अपना स्कोर जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि दस में से कितने सवाल आपके ठीक हुए आगे बढ़ने से पहले कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज का कल यानी थर्सडे एक बजे सत्ताईस जुलाई दो कहां पे बायजूस एग्जाम प्रेप की एप आप पर आपको हमारे साथ लाइव जुड़ना है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है तीस सवालों का क्वेश्चन पेपर होगा और आपको पता है ऐप आप में आपके पास लीडर बोर्ड भी आता है सो डू ज्वाइन द सेशन डू नॉट फॉगेट टू ज्वाइन मी लाइव एंड स्टूडेंट्स उसके बाद फ्राइडे और सैटरडे शाम चार बजे हम पीवाई क्यूज लगाएंगे यूट्यूब पर सो so ये भी आपको याद रखना है यूट्यूब पर पी क्यूज लगाएंगे ये भी टाइम आपको याद रखना है यस नाइनटीन सेवेंटी में कोलकाता यूनिवर्सिटी कैलकटा यूनिवर्सिटी में उन्हें पंडिता का टाइटल मिला था राइट उत्तम गुड दस में से तीन सुनील नीड टू इम्प्रूव वेरी लेस स्कोर कोई बात नहीं इम्प्रूव हो जाएगा गुड राज विवेकानंद ठीक है खुशबू ठीक है इंप्रूव कर सकते हैं गुड कॉन्ग्रेचुलेशन उत्तम आरती वेरी गुड आरती का बर्थडे भी है भैया आज तो आप ही बौद्ध आरती गुड गुलनास वेरी गुड प्रज्ञा गुड राकेश गणेश गुड अच्छा ठीक है कोई बात नहीं शुभम वेरी गुड पूजा वेरी गुड नौ आठ क्वेश्चन इस टेस्ट में ठीक होने थे आपके बट एनी चलिए कोई बात नहीं देर इज ऑलवेज अ टाइम इंप्रूव करने का स्कोप है कल एक बजे आइएगा क्लास में फिर उसके बाद हम बात करेंगे ठीक है चलिए कोई बात नहीं इट्स ओके संजू बाय एवरीवन टेक केयर जाने से पहले होमवर्क क्वेश्चन लेते जाओ और होमवर्क क्वेश्चन का आंसर मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना चैट बॉक्स में नहीं क्लास एंड होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा गिल्ट मैन ऑफ इंडिया गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टिसिपेशन आई एम सॉरी स्पेलिंग की गलती है गिल्टी मैन ऑफ इंडिया गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टिशन किसकी किताब है ये आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में क्लास खत्म होने के बाद थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स स्टेट यून ऑन बाइजूस एक्साम्पल यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच क्लासेज And join our Telegram group for the free content. Thank you so much. Bye everyone. Take care.